अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सोहेल भाई, खैरियत से हो? आप कैसे? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, आपकी दुआएं। अच्छा सोहेल भाई, वो शिराज भाई नहीं नज़र आए? पता नहीं, देखा नहीं यार मैंने आज उसको। अच्छा यार, वो आपको नहीं मिला? बहुत मगरूर है वो तो। कभी उसकी बातें सुनी आपने? बात करने का सलीका तरीका है नहीं, पता नहीं खुद को क्या समझता है वो। यार सोहेल भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तवज्जो नहीं दे रहे मेरी बातों पर। बुराई को रोकने के तीन दर्जे, एक उसको हाथ से रोको, या फिर ज़बान से, या फिर दिल से बुरा जानो। लिहाजा मैं आपको हाथ से तो नहीं रोक सकता और ज़बान से रोकने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको दिल से बुरा जान रहा हूँ और इसीलिए मैं आपकी बातों पर तवज्जो नहीं दे रहा हूँ कि आप गीबत कर रहे हो। और किसी मुसलमान के पीठ पीछे बात करना, वो ऐप जो उसके अंदर मौजूद हो वो गीबत कहलाती है। और कोई ऐप मौजूद ना हो उसका जिक्र करना, ये बोहतान होता है और ये इससे भी बड़ा गुनाह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज़ है? लोगों ने अर्ज़ की, अल्लाह व रसूल को इसका बेहतर इल्म है। साथ फरमाया, गीबत यह है कि तू अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहे जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज़ की, अगर मेरे भाई में वो बुराई मौजूद हो तो क्या उसको भी गीबत कहा जाएगा? फरमाया, जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद हो जभी तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद ना हो तो ये तो बहुतान है।